आज का वीडियो पहले से एक अलग टॉपिक पे है। आज आप लोगों को मैं हमारे घर का सब्जी गार्डन दिखाने वाली हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि टेरेस पे मेरे मम्मी पापा किस तरह से सब्जी की खेती कर रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पे इसलिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। ये देखिए, आपको सुनाई दे रहा होगा हमारे यहाँ पे भगवत पाठ हो रहा है। मेरे पापा रिटायर्ड होने के बाद ज़्यादातर टाइम इसी में बिताते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक है इस तरह से खेती करने का। और ये ब्रोकली है, इसे अभी टाइम लगेगा, अभी ये काफ़ी छोटे हो रखे हैं। इस बार टमाटर भी बहुत हुए थे। ये पत्ता गोभी देखिए, और यहाँ पे धनिया कर रखा है। ये प्याज काफी हो चुका है पहले ही। और ये जो कार्टून आप देख रहे हैं जिसमें ये सब किया गया है, ये मछली मार्केट से लाया गया है। वो लोग जो मछली लाते हैं तो एक 20 रुपये में मिल जाता है। देखिए, इसको ईंट रख के इसको ऊंचा किया गया है ताकि नीचे पानी गिर के फ्लोर खराब ना हो। ये देखिए करेला, पापा यहाँ सूखे गोबर का खाद डाल रहे हैं। ज़्यादातर सब्जी वगैरह के छिलके से जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनता है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये नीम के पत्तों को सुखा के खाद बनाया गया है, जो पेड़ पौधों में कीड़े वगैरह नहीं लगने देते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इस बार आलू भी काफ़ी मिला है, और मतलब ये अलग से बीज नहीं खरीदा गया है। खाने के लिए जो लाया जाता था वही डाला था। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि छत पे आलू की खेती कैसे की। ये देखिए, ये सीमेंट का जो बस्ता होता है उसको ऐसे साइड में अच्छे से बिछा लिया है। इस मिट्टी में पहले से खाद मिक्स करके रखा हुआ है। इस तरह से मिट्टी को अच्छे से सेट करके फिर इसमें आलू कर सकते हैं हम। तो उसी मिट्टी पे ये आलू की खेती की गई थी, तो ये कुछ 30-35 किलो के आसपास है जो मिला है। अभी काफ़ी आलू मिल गया है। ये आलू निकालने से पहले का वीडियो है, तो देखिए किस तरह से किया गया था। और एक बार आलू की खेती करने के बाद उस बस्ते को फिर से यूज़ किया जा सकता है दोबारा करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।